and taking you back across to Bhutan, where Indian Prime Minister Narendra Modi is making a statement. देवी और सज्जनों नमस्कार. भारत के अभिन्न और विशेष मित्र भूटान में आप सबके बीच उपस्थित होकर मुझे बहुत खुशी हो रही है. मेरे डेलीगेशन के और मेरे गर्वजोशी भरे स्वागत सत्कार के लिए प्रधानमंत्री जी, मैं आपका और भूटान की रॉयल गवर्नमेंट का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं. एक्सलेंसी, भारत भूटान की अद्वितीय मैत्री के बारे में आपके उदार विचारों के लिए भी आपका हृदय से बहुत बहुत आभार. 130 करोड़ भारतीयों के दिलों में भूटान एक विशेष स्थान रखता है. मेरे पिछले कार्यकाल के दौरान प्रधानमंत्री के रूप में मेरी पहली यात्रा, इसके लिए भूटान का चुनाव बहुत ही स्वाभाविक था. इस बार भी अपने दूसरे कार्यकाल के शुरू में ही भूटान आकर मैं बहुत खुश हूं. भारत और भूटान के संबंध दोनों देशों के लोगों की प्रगति, संपन्नता और सुरक्षा के साझा हितों पर आधारित है और इसलिए दोनों देशों में इन्हें जन जन का पूरा समर्थन प्राप्त है. एक्सलेंसी, यह मेरा सौभाग्य है कि भारत की जनता के निर्णायक जनादेश ने इन संबंधों को और मजबूत बनाने के लिए भूटान नरेश और आपके साथ काम करने का मौका मुझे एक बार फिर दिया है. मुझे आज भूटान के महामहिम नरेश के साथ हमारी साझेदारी के बारे में चर्चा करने का अवसर मिला और कुछ देर बाद मैं महामहिम चतुर्थ नरेश से भी मिलूंगा. भूटान नरेशों की बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता ने बहुत लंबे समय से हमारे द्विपक्षीय संबंधों का मार्गदर्शन किया है. यही नहीं, उनके विजन ने भूटान को पूरी दुनिया के सामने एक ऐसे अनूठे उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है जहां डेवलपमेंट को आंकड़ों से नहीं, हैप्पीनेस से नापा जाता है, जहां आर्थिक विकास परंपरा और पर्यावरण के साथ आगे बढ़ता है. ऐसा मित्र और ऐसा पड़ोसी कौन नहीं चाहेगा. साथियों, यह भारत का सौभाग्य है कि हम भूटान के विकास में प्रमुख भागीदार हैं. भूटान की पंचवर्षीय योजनाओं में भारत का सहयोग आपकी इच्छाओं और प्राथमिकताओं के आधार पर आगे भी जारी रहेगा. साथियों, हाइड्रो पावर हमारे दोनों देशों के बीच सहयोग का महत्वपूर्ण क्षेत्र है. दोनों देशों ने मिलकर भूटान की नदियों की शक्ति को बिजली में ही नहीं, पारस्परिक समृद्धि में भी बदला है. आज हमने मांगदेश परियोजना के उद्घाटन के साथ इस यात्रा का एक और ऐतिहासिक मुकाम हासिल किया है. दोनों देशों के सहयोग से भूटान में हाइड्रो पावर उत्पादन क्षमता 2000 मेगावाट को पार कर आगे बढ़ रही है. मुझे विश्वास है कि हम अन्य परियोजनाओं को भी तेजी से आगे ले जाएंगे. एक्सलेंसी, भूटान के सामान्य लोगों की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत से एलपीजी की आपूर्ति 700 से बढ़ाकर 1000 मैट्रिक टन प्रति माह की करने का हमने निर्णय किया है. इससे क्लीन फ्यूल गांवों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी. साथियों, डॉक्टर छेरिंग ने हमारी पहली मुलाकात में मुझे बताया था कि राजनीति में आने के लिए उनकी प्रमुख प्रेरणा
सामान्य मानवी को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कराने की रही है। मैं उनके विजन से बहुत प्रभावित हुआ। भूटान में मल्टी डिसिप्लिनरी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के उनके सपने को साकार करने में भारत हर संभव सहयोग करेगा। एक्सलेंसी, सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क के तहत भूटान के लिए करेंसी स्वैप की लिमिट बढ़ाने के लिए हमारा नजरिया पॉजिटिव है। इस बीच विदेशी मुद्रा की आवश्यकता को पूरा करने के लिए स्टैंड बाय स्वैप व्यवस्था के तहत अतिरिक्त 100 मिलियन डॉलर भूटान को उपलब्ध होंगे। साथियों, स्पेस टेक्नोलॉजी के उपयोग से भूटान के विकास में तेजी लाने के लिए भारत प्रतिबद्ध है। हमने आज साउथ एशिया सैटेलाइट के अर्थ स्टेशन का उद्घाटन किया है। यह भूटान में कम्युनिकेशन, पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग और डिजास्टर मैनेजमेंट के कवरेज को बढ़ाएगा। इन उद्देश्यों के लिए भूटान की जरूरत के अनुसार एक्स्ट्रा बैंडविड्थ और ट्रांसपोंडर भी उपलब्ध कराया जाएगा। दोनों देश छोटे उपग्रह के निर्माण और स्पेस टेक्नोलॉजी के प्रयोग में भी सहयोग करेंगे। भारत के नेशनल नॉलेज नेटवर्क के साथ कनेक्शन भूटान के छात्रों और शोधकर्ताओं को भारतीय विश्वविद्यालयों के लिए नए साधनों से जोड़ेगा। ये दोनों देशों के बीच साझा नॉलेज सोसाइटी की स्थापना के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जो विशेष रूप से हमारे युवाओं को लाभान्वित करेगा। रॉयल भूटान यूनिवर्सिटी और भारत के IITs और कुछ अन्य टॉप शिक्षण संस्थाओं के बीच सहयोग और संबंध शिक्षा और टेक्नोलॉजी के लिए आज की आवश्यकताओं के अनुरूप है। कल रॉयल भूटान यूनिवर्सिटी में इस देश के प्रतिभाशाली युवाओं से मुलाकात की मैं उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा हूं। साथियों, मुझे बहुत खुशी है कि आज हमने भूटान में रुपे कार्ड को लॉन्च किया है। इससे डिजिटल भुगतान और व्यापार तथा पर्यटन में हमारे संबंध और बढ़ेंगे। हमारी साझा आध्यात्मिक विरासत और मजबूत पीपल टू पीपल संबंध हमारे संबंधों की जान है। इसे ध्यान में रखते हुए नालंदा विश्वविद्यालय में भूटान के लिए पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलरशिप को 2 से बढ़ाकर 5 किया जा रहा है। मैंने आज यहां शबडुरुंग का आशीर्वाद प्राप्त किया है। मुझे यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि इस विलक्षण प्रतिमा की भूटान में मौजूदगी 5 साल और बढ़ाने के लिए भारत सहमत है। एक्सलेंसी, भारत भूटान संबंधों का इतिहास जितना गौरवशाली है उतना ही आशाजनक भविष्य भी है। मुझे विश्वास है कि भारत और भूटान दुनिया में दो देशों के बीच संबंधों का एक अनूठा मॉडल रहेंगे। इस सुंदर ड्रुक युल में दोबारा आने का अवसर देने के लिए आपके स्वागत सत्कार और प्यार के लिए एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। ताशी देलक। थैंक यू योर एक्सलेंसी।